इस साल के नोबेल प्राइज का ऐलान हो चुका है। अभी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसे ही आगे भी कई लोगों के नाम अभी आने बाकी है। नोबेल पुरस्कार तो मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता पठारे और हाजिर हूं आज के भारत एक खोज में। आज भारत एक खोज में हम जानेंगे नोबेल प्राइज का इतिहास कि आखिर क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज। जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए और मिशेल मेयर और डीडीआर क्लेवेज को संयुक्त रूप से एक्सक्लोप्लैनेट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस बार नोबेल पुरस्कार व्यक्ति की प्रतिभा के आधार पर दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो हर साल स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को एक भव्य समारोह में दिया जाता है। इसके पहले से उनके नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है। ये क्षेत्र आप जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो वे है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य और विश्व शांति। यह पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करीब 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है। इसके अलावा 23 कैरेट सोने का करीब 6 सेंटीमीटर व्यास का 200 ग्राम वजनी पदक एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। पदक एक और नोबल पुरस्कार लिखा होता है, इसके जनक अल्फ्रेड नोबल का चित्र होता है और दूसरी ओर जन्म तथा मृत्यु के वर्ष और दूसरी यूनानी देवी आइसिस का चित्र, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम पुरस्कार दिए जाने का वर्ष अंकित रहता है। नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम अक्टूबर माह से ही घोषित करने शुरू हो जाते हैं और यह सर्वोच्च पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी हस्ती हो जो बड़े से बड़ा पुरस्कार पाने के बाद भी नोबेल पुरस्कार पाने की अपेक्षा न करता हो। यही कारण है कि जहां यह पुरस्कार पुरस्कृत व्यक्ति को समूची दुनिया की नज़रों में महान बना देता है, वहीं यह पुरस्कार मिलते ही शोहरत के साथ साथ दौलत भी उनके कदम चूमने लगती है। अब जानते हैं कि कब और कैसे हुई नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। उस समय रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और विश्व शांति के लिए पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार में करीब 5.5 लाख रुपए की धनराशि तब दी गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व डायनामाइट के आविष्कारक डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 27 नवंबर 1895 को की गई थी। वसीयत के आधार पर की गई थी, जिसमें उन्होंने रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए अपनी समूची संपत्ति, जो करीब 90 लाख डॉलर रही होगी, से मिलने वाले ब्याज का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने का अनुरोध किया था। इस कार्य के लिए धनराशि के इस्तेमाल हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। इन पांचों क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम का चयन करने के लिए उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ संस्थाओं का भी उल्लेख किया था। 10 दिसंबर 1896 को डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल तो दुनिया से विदा हो गए, पर रसायन, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए अथाह धनराशि छोड़कर गए। अब जानते हैं कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, वो भी विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल विश्व के महान आविष्कारक में से एक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और अपने जीवन काल में अपने विभिन्न आविष्कारों पर कुल 355 पेटेंट भी करवाए थे। उन्होंने रबर, चमड़ा, कृत्रिम सिल्क जैसी कई चीज़ों का आविष्कार किया। इसके बाद डायनामाइट का भी आविष्कार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और विश्व भर के विकास कार्यों को एक नई गति व दिशा प्रदान की, क्योंकि डायनामाइट के आविष्कार के बाद ही सुरक्षा विस्फोटक के जरिए भारी भरकम चट्टानें तोड़कर सुरंग व बांध बनाने के लिए रेल पटरियां बिछाने का कार्य संभव हो पाया। उन्होंने डायनामाइट के विकास की प्रक्रिया में काफी नुकसान भी झेला, लेकिन वे दृढ़ निश्चयी और इसकी परवाह न करते हुए खतरनाक नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल से डायनामाइट का आविष्कार करके 1876 में इंग्लैंड में इस पर भी पेटेंट हासिल कर लिया। अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ एक आविष्कार ही नहीं किए थे, जबकि उन्होंने जाने माने उद्योगपति भी थे। ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक छोटे से गांव में 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे अल्फ्रेड की मां एंटीएडा एहसेल्स धनी परिवार से थी। अल्फ्रेड के पिता इमानुएल नोबेल एक इंजीनियर तथा आविष्कारक थे, जिन्होंने स्टॉकहोम में अनेक पुल व भवन बनाए, लेकिन जिस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ
उसी वर्ष उनके परिवार में दिवाली, उनके परिवार का सब कुछ छिन गया। यह परिवार स्वीडन छोड़कर रूस के पिट्सबर्ग शहर में जा बसा, जहां उन्होंने बाद में कई उद्योग स्थापित किए, जिनमें से एक विस्फोटक बनाने का कारखाना भी शामिल था। इमानुएल नोबल और एंटीएटा एंसेल की कुल 7 संतानें हुई, लेकिन उनमें से 3 ही जीवित रह सकी। तीनों में से अल्फ्रेड ही सबसे तेज थे। 17 साल की उम्र में ही स्वीडिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी इत्यादि भाषाओं में पारंगत हो चुके थे। युवावस्थाओं में ही वह अपने पिता के साथ विस्फोट बनाने के कारखाने में भी काम करने लगे। 1864 में कारखाने में अचानक एक दिन भयंकर विस्फोट हुआ और उसमें अल्फ्रेड का छोटा भाई मारा गया। भाई की मौत से वे बहुत दुखी थे और उन्होंने विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कोई आविष्कार करने की ठानी। आखिरकार उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त हुई। अल्फ्रेड ने 20 देशों में उस जमाने में अपने अलग अलग करीब 90 कारखाने स्थापित किए। जब यातायात, संचार, सरीकी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, आजीवन कुंवारे रहे अल्फ्रेड नोबल की रसायन विज्ञान, भौतिकी शास्त्र के साथ अंग्रेजी साहित्य और कविताओं में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने कई नाटक, कविताएं, उपन्यास भी लिखे, लेकिन उनकी रचनाओं एवं कृतियों का प्रकाशन नहीं हो पाया। 10 दिसंबर 1886 को अल्फ्रेड नोबल नोबल पुरस्कारों के लिए अपार धनराशि छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। 1886 में डायनामाइट का आविष्कार करके 1866 में डायनामाइट का आविष्कार करके 1867 में इस पर पेटेंट हासिल करने के बाद अल्फ्रेड बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उनके द्वारा इजाद किया गया डायनामाइट बहुत उपयोगी साबित हुआ, लेकिन इस आविष्कार की वजह से उन्हें बहुत से लोगों द्वारा विध्वंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति समझा जाने लगा। हालांकि डायनामाइट के आविष्कार के बाद इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए अल्फ्रेड खुद भी इस आविष्कार से खुश नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार की बदौलत कमाई अपार धनराशि से ही नोबल पुरस्कार बांटना शुरू कर दिया। तो ये था अल्फ्रेड नोबल का नोबल पुरस्कारों का इतिहास, यानी कि नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर मिलते हैं, जो अपने संपत्ति का अपार हिस्सा छोड़कर गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करते हैं। आप भी जिन वैज्ञानिकों, जिन लोगों को ये पुरस्कार मिल रहे हैं, उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि वे कैसे किसी क्षेत्र में अपना इतना उत्कर्ष कार्य कर रहे हैं। आज के भारत एक खोज में इतना ही था। इतिहास से जुड़े ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए एनएस न्यूज़ के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।